हरे कृष्णा राधे राधे गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से आ गए एक नए ब्लॉग में, आप सभी को स्वागत है। सुबह में खिचड़ी होता है, वो खिचड़ी तो सुबह बनाया हूँ मैं। और पहले बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनता था क्योंकि बाहर से लोग भी आते थे और बारिश हो रहा है इतना तेज, आप लोग देखे होंगे इसके कारण। बारिश के लिए बस, और बारिश फिर से चालू हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा फिर आने लग जाएंगे लोग, और फिर से हम ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर देंगे। वैसे ब्लॉग तो बना जारी रहेगा, मतलब तो बनाते रहेंगे, बट आज का ब्लॉग क्या कंटेंट समझ नहीं आता क्या कंटेंट बनाऊँ, इसलिए आजकल ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो गाइस पहले हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ भी करने के लिए सोचना पड़ता है बहुत। तो आज ऐसा है कि सुबह खिचड़ी बनाया, सब लोगों ने प्रसाद पाया, और शाम को इमिडिएटली पता चला मुझे कि सब लोग आज बाहर जा रहे हैं, प्रोग्राम है, महाराज जी भी और सभी लोग गए, बस हम कुछ ही लोग बाकी हैं यहाँ पे। यहाँ पे सुदीप प्रभु है, शुभम प्रभु है, और माधव प्रभु है, तो और मैं हूँ। तो शुभम प्रभु तो प्रसाद पाकर चले जाएंगे अभी घर, वो आते हैं सैटरडे में, आते हैं शुक्रवार को, आते हैं शनिवार को, रहते हैं रविवार को, रहते हैं चले जाते हैं, तो ये 3 दिन रहते हैं यहाँ पे। तो गाइस चलिए, अभी सोच रहे हैं कि इधर उधर जाऊंगा घूमने के लिए, कहाँ जाना है वो पता नहीं मुझे, साथ में बने रहो, देखते हैं क्या क्या आपको दिखा सकते हैं आज के ब्लॉग में। सोचा था बहुत सारे कंटेंट बट हुआ नहीं, क्योंकि पंडित जी बाहर चले गए, कृष्ण जी बाहर, सब चले गए बाहर, तो मैंने कुछ और सोचा था, कुछ और करना है, लेकिन आज मुझे वीडियो बनाना था ही, इसलिए मैंने आज शुरू कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो हरे कृष्णा शिवम प्रभु, प्रभु जी आप शुक्रवार को आते हो यहाँ पे और रविवार के शाम को जाते हो, कई बार सोमवार को भी जाते हो, आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? आके तो बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता प्रभु जी यहाँ से। अच्छा, और जाके भी ऑफिस में बस यही चलता रहता है कि कब वापस फ्राइडे आएगा और वापस जगन्नाथ जी को मिलने का मौका मिलेगा। अच्छा, और आके तो पूछो मत, यहाँ पे भक्तों के संग में अलग ही आनंद है। आप भी अगर मुंबई में रहते हो तो आओ जगन्नाथ जी के यहाँ दर्शन करने, और आके यहाँ पे सुबह दर्शन आरती होती है 4:15 बजे, फिर प्रसादम होता है, लेक्चर होते हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं, तो समय मिले तो ज़रूर आइए, हमारे कमल कृष्ण प्रभु से मिलिए। हरी बोल। आपके प्रसाद यहाँ पे कैसा लगता है? प्रसाद तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है आपको? बहुत बहुत ठीक। हरे कृष्णा हरी। तो गाइस शाम का प्रसादम पाना है मुझे भी, आज तो कोई नहीं आपको बताया है, तो आज शाम को मैंने आलू गोभी पत्ता गोभी की सब्जी बनाया था, और राइस दाल जो जगन्नाथ जी का भोग लगा है, और चपाती भी है उसके साथ में, तो चलिए प्रसाद पा लेते हैं। गाइस सबने प्रसाद पा लिया, बस मैं ही बाकी हूँ, प्रसाद पा लेते हैं फिर मिलते हैं आपके साथ। तो हेलो गाइस, प्रसाद पा के यहाँ पे बैठा हूँ, कब से मैं कम से कम 1 घंटा हो गया बैठा हूँ मैं यहाँ पे, और सोचा था कि बाहर जाऊँगा थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा और आपको कुछ नया दिखाऊंगा मुंबई के बारे में, कुछ मैं सोच रखा हूँ वो दिखाने के लिए, बट वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वो किसी और दिन दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखा पाया। और आज 7:30 बज गया, तो बाहर अभी जाऊँगा नहीं क्योंकि रात हो गया, वो दिखा के मज़ा नहीं आएगा, वो दिन में ही दिख सकते हो अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है कि आरती आज करना पड़ेगा, कोई है नहीं यहाँ पे आश्रम में भक्त लोग, और महाराज जी के साथ में सब महाराज जी और महाराज जी के साथ में जितने यहाँ पे रहते हैं भक्त लोग सभी गए हुए हैं, तो सुदीप को मैं और माधव को हूँ, और शुभम को जो थे वो चले गए घर। तो आज अभी आरती दर्शन कराऊंगा आपको, मैं आरती करने वाला हूँ आज, और माधव प्रभु है, सुदीप प्रभु है, वो आरती अटेंड करेंगे। चलिए मैं आपको आरती दर्शन कराता हूँ। 7:30 बज गया, 7:45 में आरती शुरू होगा, तब मैं अभी जाके आरती के लिए रेडी करता हूँ।
जय राधा माधव कुंज विहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन जन वल्लभ गिरिवर धारी, जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना रावण चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं हम। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।